चलिए देखते हैं स्टूडेंट, आज का हम अपना पहला क्वेश्चन, और ये आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन दिख रहा है। हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। हमें क्या दे रखा है, अ कंडक्टर ए विद अ कैविटी एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। एक कंडक्टर ए दे रखा है विद कैविटी, तो चलिए कंडक्टर ए ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और ये उसके अंदर एक कैविटी है, नहीं आई बात समझ में। ये कंडक्टर हो गया और ये इसके अंदर एक कैविटी हो गई, ये कंडक्टर के अंदर ये कैविटी प्रेजेंट है, ये ना ये कैविटी हो गई, ठीक बेटा आई बात समझ में। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इज गिवन अ चार्ज क्यू, है ना, इस कंडक्टर को कितना चार्ज दिया गया, क्यू चार्ज दिया गया, ठीक है। इस कंडक्टर को हमने क्या किया, क्यू चार्ज दिया। अब क्या कह रहे हैं, सो दैट द एंटायर चार्ज मस्ट अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम क्यू चार्ज देंगे वो केवल केवल आउटर सरफेस पर होगा, इसकी इनर सरफेस पर कोई चार्ज नहीं होगा, नहीं बस ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इसको गॉस थ्योरम की हेल्प से प्रूफ करेंगे। अब गॉस थ्योरम जब भी अप्लाई हम करते हैं तो हमें सबसे पहले एक जो है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ती है। तो हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ज़रा देखेंगे हम गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे। हमने एक ये जो कंडक्टर के अंदर और कैविटी से बाहर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली, ये हमारी एक गॉसियन सरफेस हो गई, नहीं आई बात समझ में बेटा। हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली तो अब हमें क्या क्या पता चल गया, हमारे पास ये इसकी आउटर सरफेस हो गई, ठीक है बेटा, ये इनर सरफेस हो गई, ठीक है, और ये हमारी गॉसियन सरफेस हो गई, नहीं यही बस तीनों चीज़ें पता चल गई। क्या हो गई, ये आउटर सरफेस हो गई, ये हमारी इनर हो गई, है ना, और ये हमारी गॉसियन हो गई, ठीक है बेटा, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है बेटा, चलिए शुरुआत करते हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये मानते हैं कि कैविटी के अंदर जो है चार्ज क्यू है। क्या मानेंगे, हम मानेंगे कैविटी के अंदर जो है चार्ज क्यू है, ठीक है, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जरा देखते हैं इसको, ये हमारा साइड में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलिए हमने क्या माना, इस कैविटी के अंदर ये जो कैविटी है इसके अंदर चार्ज क्यू हमने मान लिया, नहीं आई बात समझ में, चार्ज क्यों हमने मान लिया, ठीक है। अब हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉस थ्योरम क्या है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा, सरफेस इंटीगरल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी गॉस थ्योरम, ये हमारी गॉसियन सरफेस है, ठीक है ना, ये अपनी गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस के अंदर अगर हमने चार्ज क्यू मान लिया तो ये चार्ज क्यू एनक्लोज्ड कर रही है, ठीक है बेटा, चार्ज क्यू एनक्लोज्ड कर रही है जी। अगर लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितनी होती है, ज़ीरो होती है। क्या होती है, इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होती है, ठीक है बेटा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होती है तो क्या होगा, ये वाला टर्म, कौन सा टर्म, ये टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा। जब ये टर्म आपका ज़ीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। जब क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट ज़ीरो तो क्यू इक्वल्स टू भी क्या आ गया, ज़ीरो। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज जो अंदर अगर हमने पहले माना भी है तो वो चार्ज भी किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा, नहीं आई बात समझ में। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर होगा, इसकी आउटर सरफेस पर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखेंगे आप अपना नेक्स्ट मैरिकल। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं हम अपना अगला न्यूमेरिकल, और ये जो न्यूमेरिकल है ये पिछले वाले न्यूमेरिकल से इंटरलेटेड है, हम बात कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल की, ठीक है। पहले पढ़ लेते हैं न्यूमेरिकल। नाउ अनदर कंडक्टर बी विद चार्ज क्यू इज इंसर्टेड इन द कैविटी कीपिंग बी इंसुलेटेड फ्रॉम ए। अब एक अनदर कंडक्टर बी है, ठीक है ना, उसको इस कैविटी के अंदर डाल दिया, ये हमारा एक कंडक्टर हो गया बी, ठीक है ना, और इस पर चार्ज दे रखा है क्यू, नहीं आई बात समझ में। हमने एक दूसरा कंडक्टर डाल दिया जिस पर कि चार्ज क्यू था, ठीक है बेटा, बात आई समझ में। अब ये क्या करेगा, ये जो चार्ज क्यू है ये
हमारे जो कंडक्टर की जो ए कंडक्टर है, ये कंडक्टर ए है, ठीक है बेटा, ये कंडक्टर ए है, ये आउटर सरफेस, ये वाली जो सरफेस हो गई ये आउटर सरफेस हो गई, और ये वाली जो सरफेस हो गई ये इनर सरफेस हो गई। नहीं आई बात समझ में? ठीक है बेटा, अब ये वाला जो कंडक्टर क्या करेगा, ये वाला कंडक्टर क्या करेगा, इंडक्शन की वजह से इसके, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इंडक्शन की वजह से कंडक्टर के इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना, कंडक्टर की इस सरफेस पर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके बाहर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नहीं आई बात समझ? इसकी बाहर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जब बाहर वाली सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपको ध्यान रखना, अगर ये प्लस क्यू है तो इसके अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू और बाहर वाली सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आएगा। अब ये अगेन, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, ये इसकी बाहर जो कंडक्टर ए है उसकी बाहर वाली सरफेस पर नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी जो अंदर वाली सरफेस हो गई अब कंडक्टर ए की, ठीक है ना, उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी क्या होगा, माइनस क्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये माइनस क्यू चार्ज को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये माइनस क्यू चार्ज आ गया तो अब इस कंडक्टर की सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस कंडक्टर की सरफेस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस क्यू, ठीक है ना, कैसा चार्ज आएगा इसकी कंडक्टर सरफेस पे, प्लस क्यू। नहीं आई बस? पहले से चार्ज कितना था, पहले से चार्ज दो दे रखा था कंडक्टर ए की सरफेस पे, कैपिटल क्यू था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू प्लस कैपिटल क्यू। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नुमेरिकल। ठीक, चलिए स्टूडेंट आप देखते हैं अपना अगला, तो अगला नुमेरिकल हो गया, अगला जो भी क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, सी क्वेश्चन, तो ज़रा ध्यान से देखेंगे इसको, पढ़ते हैं इसको। अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी सील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन इट्स एनवायरमेंट। ओके, कोई एनवायरमेंट है जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, ठीक है बेटा, ये क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे। देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नज़र आ रही है। नहीं आई बात समझ में? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है नज़र आ रही है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है। अब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बचाना है, मान लो ये कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अब इसको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, है ना, वो क्वेश्चन पूछा, ये इंस्ट्रूमेंट है और इसको ये जो है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है और इसको हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, ठीक है बेटा, हम क्या करेंगे, हम जो है इस इंस्ट्रूमेंट को एक मेटेलिक, क्या करेंगे, हम इस इंस्ट्रूमेंट को मेटेलिक, किसी मेटेलिक बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी मेटेलिक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर दें, क्या करेंगे, किसी मेटेलिक बॉक्स के अंदर इसको बंद कर देंगे, ठीक है ना। मेटेलिक बॉक्स के अंदर बंद करने से क्या होता है कि उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि मेटेलिक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, ठीक है बेटा, मेटेलिक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, तो उसके अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है नहीं रहेगी, ठीक है। जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी केवल उसके जो मेटेलिक बॉक्स है उसके बाहर ही रहेगी, ठीक है बेटा, मेटेलिक बॉक्स के बाहर ही रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मेटेलिक बॉक्स के अंदर नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं आ रही बात समझ? जब मेटेलिक बॉक्स के अंदर नहीं आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, हमारा जो मेटेलिक बॉक्स है वो सेफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें किसी भी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक मेटल बॉक्स में बंद कर देंगे, ठीक है बेटा, मेटल बॉक्स में। क्यों? मेटल एक कंडक्टर होता है, मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो होती है, ठीक है बेटा, बात आई समझ में? चलिए